अपने एक दिवसीय मंडी दौरे के दौरान बाली चौकी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1.16 करोड़ से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाली चौकी का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाली चौकी में 1.10 करोड़ की लागत से बनने वाले लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एवं उप कोषाधिकारी कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाली चौकी में स्थानीय जनता की जन समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल में से बहुत बड़ा वक्त जो है कोविड के कोरोना के दौर में, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद हम काम करते रहे। आज जिन भवनों का हमने उद्घाटन किया, चाहे वो सब ट्रेजरी के ऑफिस का भवन है, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ का ऑफिस का भवन है जो 1.10 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ, और उसी तरह से हमारा पीएससी का जो भवन हमारा बनकर के तैयार हुआ लगभग 1.15 करोड़ की लागत से, वो भवन बनकर के तैयार हुआ, इनको हमने आज समर्पित किया। और मैं यहां बाली चौकी में काफी अरसे के बाद जब आना हुआ है, मैं देख रहा हूं कितना परिवर्तन है इस बाली चौकी में। लगभग 4 वर्ष अपने जीवन के मैंने गुजारे दिया और उस दौरान हमने देखा कि बाली चौकी का ये प्रांगण में अच्छी तरह समझता हूं। अगर मैं यहां आपके बीच में जहां खड़ा हूं तो इनमें से बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने अभी अभी ताजा ताजा बन करके दिया। साइंस ब्लॉक का अभी उद्घाटन हुआ, ये भवन भी बाद में बना, छोटा सा भवन हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सामने होता था, ये भवन बनकर से तैयार हुए। बाली चौकी में एक पुल का निर्माण जो है वो अंतिम दौर पे है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है वो पुल, जो आपके इस बाली चौकी क्षेत्र को बंजार विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ेगा। आने वाले समय में बस स्टैंड का वहां पर निर्माण करने का हमारा जो जो एक लक्ष्य है उसको भी हम पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ में बाली चौकी में यहाँ हम आते आते हम देख रहे थे हमारा जो मिनी सचिवालय का जो भवन है उसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। कितनी लागत से बन रहा है? 7 करोड़ की लागत से आपका भवन बनकर के आने वाले समय में मई के महीने में हमने कहा कि हर हालत में बनकर के ये तैयार होकर के इसका उद्घाटन करेंगे। सीएससी का भवन यहाँ पर बनकर के तैयार हो रहा है, पीएससी से सीएससी का दर्जा हमने इसको दिया और सीएससी का भवन बनकर के यहाँ पर आने वाले समय में हम जल्दी हम कोशिश करेंगे दिसंबर जनवरी के महीने तक ये भी बनकर के तैयार हो जाए। जहां सेरिकल्चर का प्रोजेक्ट यहां पर लाया, उसमें काम चल रहा है सड़कों के निर्माण के लिए, मैं कह सकता हूं कि बाली चौकी तहसील के जो पुराना एक दौर था जब हम इस सब तहसील के रूप में इसको जानते थे, आज ये तहसील का दर्जा है और इसके अंतर्गत जो सड़कें थी बहुत कम सड़कें थी, आज उस दौर को आप देखिए कि सड़कें गांव गांव को पहुंच गई। हम इस बात से सहमत है कि बहुत जगह अभी तक भी कमियां हैं, अभी तक भी काम करने की जरूरत है, जितना संभव हो सकता है वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस बातों के कारण अपनी कुंठा के कारण कुछ कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं वो बर्दाश्त की भाव नहीं। पूरा श्राद्ध एक है, मजबूत श्राद्ध होना चाहिए और श्राद्ध विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि ये श्राद्ध आप लोगों के जिम्मे है भाई और बहनों, ये आप लोगों को संभालना है। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आप अपने विधायक को जिनके ऊपर प्रदेश का दायित्व है उनको इस बात के लिए कहें कि भी आप आओ समस्या का समाधान करो। आप स्वयं वर्षों से काम कर रहे हैं, यहाँ आप लोग संभालिए, विकास को मैं करूंगा। सराज विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, जितना भी हो सकता है वो करेंगे।
कोई भी इलाका सराज विधानसभा क्षेत्र का होगा, कई लोग हमारे विधानसभा के अंदर बोलने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक मंचों पर बोलने की कोशिश करते हैं, इस राज में हो रहा है। सराज का मैं विधायक और सराज के लोगों ने अगर विधायक नहीं बनाया होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। इसलिए यहां पर काम करना, यहां पर विकास करना, यह मेरा दायित्व है। एक विधायक होने के नाते मेरा मूल दायित्व यह है कि सराज विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हो। उस दृष्टि से हम पूरा विकास करने के लिए जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जो चीजें करने की होंगी हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और चाहे वो बाली चौकी है, चाहे हमारा छतरी है, चाहे वो थाची का इलाका है, तो सब जगह जहां जो भी किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे।